सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल पढ़ेंगे। बट वोल्टेज डिवीजन रूल होता क्या है, करंट डिवीजन रूल होता क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हमें सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में देखना पड़ेगा और किस में कौन सा डिवीजन रूल अप्लाई होता है वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, बस मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ कि हमारे पास जो सीरीज सर्किट है और पैरेलल सर्किट है उसको कैसे देखते हैं। तो ये अगर सपोज हम सीरीज सर्किट की बात करें तो आपको पता है कि सीरीज में अगर हम देखें तो ये हमारे पास सपोज रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस, ए थर्ड रेजिस्टेंस। सो अगर ये हमारे पास R1 देन R2 एंड ये हमारे पास R3 है और ये हम कोई वोल्ट लगा दिए यहाँ पे वोल्टेज, सो ये हमारे पास एक सर्किट बन गया। सपोज यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I, राइट। सो यहाँ के अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ये हमारे पास V1 वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास V2 वोल्टेज है और यहाँ पे हमारे पास V3 वोल्टेज है। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा सपोज ये पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ये हमारे पास सीरीज सर्किट है। और सीरीज सर्किट में बात करें तो कंडीशन क्या क्या होता है, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ये हमारे पास होता है V=IR। सो यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा V=IR1+IR2+IR3। ऑलरेडी ये चीज़ आपने 12th में पढ़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा बस रिवाइज करा रहा हूँ शॉर्ट में। सो यहाँ से अगर हम देखें तो V=IR एंड यहाँ से अगर हम I को कॉमन कर ले तो हमारे पास हो जाएगा R1+R2+R3 और ये R=R1+R2+R3। सो ये हमारे पास सीरीज सर्किट के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर हम कंडीशन की बात करें तो अगर हम कंडीशन यहाँ पे देखें कि क्या क्या कंडीशन अप्लाई होता है, राइट। सो कंडीशन अप्लाई में अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आर के जगह पे आर आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, राइट, आर इक्वेशन भी लिख सकते हो। सो आर लिखो या फिर आर टोटल लिखो, कुछ भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका कंडीशन क्या है या फिर शॉर्ट में अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज आप कैसे कर सकते हो, सो यहाँ पे देख सकते हो पहला ये हमारे पास, ये शॉर्ट फॉर्म में आप जब भी नोट्स बनाओ तो शॉर्ट फॉर्म में ही बनाना। और यहाँ में अगर हम आई देखें तो करंट हमारे पास क्या है, करंट सारे अगर हम बात करें सर्किट में तो जितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है उतना ही करंट यहाँ पे भी फ्लो होगा, यहाँ पे भी सेम करंट फ्लो होगा। तो अगर हम आई की बात करें तो ये हमारे पास सारे सर्किट में सेम है। उसके बाद अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज अगर हम यहाँ से वी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जाके V1 में चेंज हो जा रहा है, ये V2 हो जा रहा है और ये V3 हो जा रहा है, मतलब V=V1+V2+V3। उसके बाद अगर हम वोल्ट यहाँ देखें तो ये हमारे पास बिकॉज वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ आपको समझना होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये तो आपने ऑलरेडी 10th में 12th में पढ़ा है, बट इसके बताने के पीछे रीज़न क्या है तो इसको अगर आप समझते हो तो यहाँ पे देख रहे हो कि करंट हमारे पास सारे में सेम है, राइट। अभी हमारा मेन टॉपिक है वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। डिवीजन मतलब क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल का सीधा सा मतलब है कि वोल्टेज को डिवाइड करना वोल्टेज डिवीजन रूल होता है। करंट जहां पे भी डिवाइड हो जाए उसको करंट डिवीजन रूल बोलेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो वोल्टेज आप देख रहे हो कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है लेकिन करंट सेम है, तो क्या हम इसको यहां पे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि जहां पे भी आपका जो भी डिवाइड हो वहां हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे करंट डिवाइड होता तो हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट सारे सर्किट में एक ही फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है। तो अब हम चलिए हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज डिवीजन रूल का अगर हम बात करें तो वोल्टेज डिवीजन रूल मतलब क्या, हमारे पास V1, V2 और V3 का वैल्यू निकालना है। तो जब हम V1, V2, V3 का वैल्यू निकालेंगे और इस सर्किट को अगर हम देखें, ये सर्किट की अगर हम बात करें तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सर्किट अगर हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो V1, V2, V3 हमारे पास है। तो जब हमें V1 का वैल्यू निकालना हुआ तो हम V1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब V2 का वैल्यू निकालना हुआ तो हम V2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब V3 का वैल्यू निकालना हुआ तो V3 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर सपोज हम मान लेते V1 का हमें अप्लाई करना है, V1 का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो ये आप देख सकते हो V1=टोटल वोल्टेज आपको गिवन रहेगा, जब भी क्वेश्चन देगा तो सर्किट में आपको वोल्टेज गिवन रहेगा, तो
तो वो वोल्टेज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो V1 का वैल्यू निकाले तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल वोल्टेज इनटू V1 किस पे है, कौन सा रेजिस्टेंस पे V1 अप्लाई हो रहा है, V1 वोल्टेज कौन सा रेजिस्टेंस पे लग रहा है, तो आप देख सकते हो कि R1 रेजिस्टेंस पे हमें V1 वोल्टेज मिल रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई जितना भी सर्किट में रेजिस्टेंस है सबको हम एड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है वोल्टेज डिविजन रूल का, और इस फॉर्मूला के थ्रू हम एक न्यूमेरिकल भी अभी करेंगे। राइट, फिर से मैं बता दूं कि जिसका भी हमें निकालना हो, सपोज V1 का निकालना है, V1 वोल्टेज का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो टोटल वोल्टेज इनटू V1 पे जो भी रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों को एड कर देंगे, अगर 4 रेजिस्टेंस होता तो चारों को हम यहाँ पे एड कर देते। राइट, इसी तरीके से अगर हम बात करें सपोज V2 का वैल्यू अगर हमें निकालना होता तो हम करते हैं V इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमें V3 का वैल्यू निकालना होता तो हम क्या करते हैं V इनटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। सो हम ऐसे नहीं दिखा सकते। सो एक फाइनली हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला पर्टिकुलर होता है वोल्टेज डिवीजन रूल का, और इसके थ्रू हम किसी भी सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हो, जितने भी वोल्टेज हो, हम सारे जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो सपोज ये हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि हमारे पास V का अगर निकालना है, राइट, सपोज K हम दे देते हैं, K पे आप जितना जो भी वैल्यू रखो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपका वैल्यू रखना है, जिस भी वोल्टेज के लिए निकालना है वो यहाँ पे वैल्यू रख दो। टोटल वोल्टेज के लिए हम VS अप्लाई कर लेते हैं इनटू, आपको पता है कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी R1 था, V1 के लिए R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3, तो VK के लिए RK डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ R, जितना भी R है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपका और भी डाउट जो हो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो इसी सर्किट को हम ले लेते हैं और इस सर्किट के थ्रू ही हम आगे, अगर हम इस सर्किट की बात करें तो ये आप देख सकते हो। सो सपोज ये R1 का हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो ये आप देख सकते हो अगर हमारे पास R1 का वैल्यू, जो R1 रेजिस्टेंस है 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज हम 28 वोल्टेज दे देते हैं। राइट, सो अगर हम बात करें यहाँ पे V1 V2 V3 का वैल्यू अगर हमें पूछा है, V1 V2 और V3 का वैल्यू पूछा है, तो हम इसको क्या निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इनटू V1 के जगह पे कितना रेजिस्टेंस है तो 2 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस 8। सो ये आपके पास हो जाएगा 28 इंटू 2 बाय 8 टू 10 एंड 14, 14 टू 28 4, ये हमारे पास 4 आ गया। उसी तरीके से अगर V2 का वैल्यू निकाले तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये 14, सो ये हमारे पास हो जाएगा 8 वैल्यू। अगर हम V3 का वैल्यू निकालना चाहें तो भी हमारे पास हो जाएगा 28 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 14, सो ये वैल्यू हमारे पास 16 हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी, फॉर्मूला के थ्रू आपका वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो इस तरीके से हमने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ लिया। अब हमारी बारी आती है करंट डिवीजन रूल, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि वोल्टेज डिवीजन रूल के साथ साथ हमें करंट डिवीजन रूल भी हमें पढ़ना है। सो वोल्टेज डिवीजन रूल तो हमारे सीरीज सर्किट में अप्लाई होता है, बट करंट डिवीजन रूल की बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले पैरेलल सर्किट की बात करना होगा, पैरेलल सर्किट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पैरेलल सर्किट को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम, अगर ये सपोज फर्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, सेकेंड रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस हो गया, ये एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं और ये हमारे पास सर्किट बन गया। राइट, सपोज दिस R1, R2 एंड R3, और ये हमारे पास टोटल वोल्टेज VS हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे करंट यहाँ पे देते हैं, अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी I जाएगा, लेकिन इस वाले में ये जाके डिवाइड हो जाएगा I1 में, ये हमारे पास I2 में डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास I3 में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे भी I1, I2, I3 निकलेगा, और फिर यहाँ पे I आके मिल जाएगा। और वोल्टेज की बात करें तो सारे जगह पे वोल्टेज अगर हमारे पास V ही रहेगा, राइट, वोल्टेज सारे में सेम है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो रहा है, I डिवाइड हो रहा है I1 में प्लस I2 में और I3 में, और आपको पता है कि अगर हम
वी इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ, तो आई का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो हो जाएगा वी बाई आर। सो यहाँ से आई के लिए वी बाई आर रख दो एंड आई वन के लिए वी बाई आर वन हो जाएगा, आई टू के लिए वी बाई आर टू हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं बस एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि अगर कोई भूल गए होंगे तो यहाँ से याद आ जाएगा। सो वी की बात करें तो ये हमारे पास वन सेकेंड, ये वी भी कैंसिल हो जाएगा दोनों कॉमन करके, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ से वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ये हमारे पास वैल्यू हो गया। सो ये अगर हम कंडीशन की बात करें तो पहला कंडीशन क्या है, वी हमारे पास सेम है, ये पहला कंडीशन इसको मान लो, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन। अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो आई यहां पे क्या हो रहा है, आई यहां पे डिवीजन हो रहा है। सो आई यहां पे किस में डिवीजन हो रहा है, तो ये आई वन आई टू और आई थ्री में डिवीजन हो रहा है। सो हम यहां पे बोल सकते हैं कि करेंट करेंट डिवाइड हो रहा है ना, आई क्या है करेंट है, तो जब करेंट डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर करेंट डिवीजन रूल अप्लाई होगा, करेंट डिवीजन रूल अप्लाई। सो जिसमें जो भी डिवाइड हो, अगर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करते, अगर यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। सो अब हमको ये चीज पता चल गया कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवीजन रूल अप्लाई होता है। तो करंट डिवीजन रूल होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बेसिस पे एक हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यही सेम सर्किट को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, चलिए इसको सेम इसी सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट वन सेकेंड, हाँ सो यहां पे आप देख सकते हो ये हमारे पास सेम सर्किट आ गया। तो यहां से अगर हम अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो कम स्टार्ट होता है करंट डिवीजन रूल। अगर हम यहां पे बात करें करंट डिवीजन रूल तो ये हमारे पास अब यहां से स्टार्ट होता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट डिवीजन रूल। अभी तक हम देख रहे थे कि करंट डिवीजन रूल आखिर अप्लाई कहां होता है, तो करंट डिवीजन रूल पैरेलल सर्किट में अप्लाई होता है, ये चीज हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हमें यह दिखाना है कि जो करंट डिवीजन रूल अप्लाई होता है तो वो कैसे हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज यहां पर नोट कर लेना, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट आप इसको अभी नोट करके रखना कि जो हमारे पास वोल्टेज होता है, वो अक्रॉस वेरिएबल काम करता है। और अगर हम यहां पे बात करें करंट की तो ये थ्रू वेरिएबल, ये बस आप अभी लिख लो, मैं आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे आगे इसमें पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको अच्छे से बता दूंगा। सो यहां पे अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर हम फॉर्मूला निकालें, ये हमारे पास दिया है, तो अभी हम नॉर्मल फॉर्मूला कैसे इसको निकाल सकते हैं। अगर हम यहां पर नॉर्मल फॉर्मूला की बात करें तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर करके हम यहां से आई वन का वैल्यू निकाल देंगे वी एस बाई आर वन, एंड यहां से आई टू का वैल्यू निकाल देंगे वी एस बाई आर टू, और आई थ्री का वैल्यू निकाल देंगे वी एस बाई आर थ्री, और उसके बाद I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री करके इसका वैल्यू निकाल देंगे। बट ये नॉर्मल फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि अब हम इंजीनियरिंग में BEEE सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम क्लास ट्वेल्थ में नहीं है कि हम नॉर्मल फॉर्मूला इसको यूज करके और अप्लाई करेंगे और वहां से न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करें, करंट डिवीजन रूल अगर हम अप्लाई कर दें नॉर्मल फॉर्मूला को अगर हम भूल जाए, तो करंट डिवीजन रूल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए पढ़ा था, अगर उस कंडीशन पे लेके अगर हम चले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई वन इज इक्वल टू आई इंटू आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आर थ्री आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये हमने पैरेलल सर्किट के लिए भी निकाला था। सो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर हम करंट डिवीजन रूल को वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से अगर देखें तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, बट ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, ये यहाँ पे कंडीशन है। अभी मैंने आपको बताया कि वोल्टेज अक्रॉस वेरिएबल काम करता है और करंट की बात करें तो थ्रू वेरिएबल काम करता है, यही कंडीशन है कि यहाँ पे हम जो वोल्टेज डिवीजन रूल का जो मेथड था वो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। करंट डिवीजन रूल का अपना अलग मेथड होता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब ये फॉर्मूला होता क्या है, अगर हमने देखा कि ये यूज नहीं होगा, चलो मान लेते हैं कि ये यूज नहीं होगा, बट यूज क्या होगा वो तो बता दो। तो यहां पे अगर हम यूज करने की बात करें तो अगर हम आपको I1 निकालना है तो
तो क्या करना है, आई का मल्टीप्लाई करना है टोटल जो करेंट है, अगर आई वन निकालना है तो टोटल करेंट इंटू जो टोटल रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई आर वन, ये आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, राइट ये हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, और इसके थ्रू हम यहां पे निकालेंगे। अरे बात समझ में, अगर हमारे पास सर्किट में बात करें तो ये सर्किट देख सकते हो, अगर हमें आई वन का वैल्यू निकालना है तो आई वन का वैल्यू अगर निकालना है तो टोटल करेंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इसके सीरीज में जो भी ये आपको लगा है रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके थ्रू आपका अगर थोड़ा भी डाउट बचाओ तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला को आपको यूज करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, राइट नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप बना के देखना, अगर नहीं बने तो फिर कमेंट करके बताना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, इसको मैं एक बार फिर से बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अभी भी डाउट होगा। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, मैंने जो ये दो चीज नोट करवाया है इसको बस आपको ध्यान में रखना है, वोल्टेज जो है अक्रॉस वेरिएबल एंड करेंट थ्रू वेरिएबल। तो अगर हम करेंट डिवीजन रूल की बात करें तो वो नॉर्मल के थ्रू तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मल में बहुत टाइम लग जाएगा, और जब नॉर्मल के थ्रू नहीं करेंगे तो एक कंडीशन आता है कि जैसे हमने वोल्टेज डिवीजन रूल निकाला था उसके थ्रू हम निकालेंगे, बट यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल भी काम नहीं करता है। आगे हम पढ़ेंगे क्यों काम नहीं करता, जब हम सोर्सेज पढ़ेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बट अभी आपको एक होता है कि आपको रिजल्ट दे दिया गया है और इस रिजल्ट में आपको बहुत बड़ा वाय छुपा है, और इस वाय का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, राइट सो क्यों नहीं होता है ये आप बस इतना रख लो कि जो मैंने नोट कराया है वो ध्यान रखो, इसमें आपको बहुत बड़ा वाय छुपा होगा, क्यों ये होता है, क्यों ऐसे होता है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा कि ऐसा क्यों हम नहीं करते और इसको इस तरीके से क्यों निकालते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, अगर थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा इसको और भी अच्छी तरीके से समझाने का। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना, ताकि हम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ा सके। आपका अगर एनर्जी इसी तरीके से रहेगा तभी हम इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, राइट सो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।